अजमेर के नगीनाबाग में शुक्रवार को रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रोजेदारों ने अन्य लोगों के साथ जादुई दरबार परिसर में रोजा खोला। वहीं यहां कौमी एकता की मिसाल भी पेश की गई। मंदिर के सामने स्थित खाली जगह पर मगरिब की नमाज अदा कर शांति और अमन चैन का पैगाम दिया गया। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस निदेशक भूपेंद्र कुमार दक ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के बाद आयोजकों के अलावा सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह की सैयद यादगार अंजुमन के सदर सैयद मोइन हुसैन चिश्ती व सचिव सैयद वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस अधीक्षक कुंवर राजदीप अन्य पुलिस अधिकारियों व अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद सेंगवा राजगढ़ भैरव धाम के उपासक चंपालाल की दस्तारबंदी कर शॉल उड़ाकर स्वागत किया। आज जो है ये 32वां मैंने रोजा अफ्तार किया है, 32 साल हो गए मुझे करते हुए, और ये अजमेर की तहजीब और गंगा जमनी संस्कृति का एक प्रतीक है। उस प्रतीक के तहत जो है हम हर साल रोज़ा करते हैं और रोज़ेदार भाइयों के रोज़े खुलवाते हैं। ये ख्वाजा साहब की निस्बत से ही है, जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था जब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे पूरे 33 साल हो चुके, 32वां साल है, आगे अगले साल में 33वां साल होगा। और इस रोज़े इफ्तार का जो है संदेश एक सारी दुनिया में जाता है। दरगाह के अंदर जिस तरह से एक पंजाब का वो लगा हुआ है, इसी तरह देखिए आप गुरुद्वारे में नमाज हो रही है, गुरुद्वारे में नमाज होने का अपना एक संदेश जाता है। हिंदुस्तान में कौमी एकता का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश अजमेर से जाता है, और इसी के लिए हम जो है ये रोज़ा इफ्तार करते हैं। इसमें हिंदू भाई मुसलमान भाई सब मिल करके अपना रोज़ा खोलते हैं। हम उनका आज एडिशनल DG जो है मॉडर्नाइजेशन भूपेंद्र डक साहब आए हैं, और जिलाधीश महोदय बीमार होने की वजह से, उनको बुखार होने की वजह से वो नहीं आए, बाकी हमारे सारे ही लोग जो हैं आज आए हैं, शासन के, प्रशासन के, शहर के, इंदरकोट के, नसीराबाद के सदर, दूदू के सदर, सरवाड़ के सदर, ये सब लोग आज आए हैं।